हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांसर कंप्यूटर क्लासेस। और आप देख रहे हैं बैंक परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य ज्ञान कंप्यूटर क्विज नंबर 5। आज का हमारा वीडियो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्विज नंबर 5। फिर से आज मैं लेकर आया हूँ 10 क्वेश्चन का आंसर के साथ आपके बीच। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलो चलते हैं दोस्तों क्विज सीरीज नंबर 5 देखने के लिए। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं बैंक परीक्षा की तैयारी हेतु क्विज 5, क्विज क्वेश्चंस रिलेटेड कंप्यूटर साइंस सीरीज नंबर 5। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है। जब हमारी इंटरनेट की चालू हुई थी तो इसमें सबसे पहला जो सर्वप्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंद, हिंदुस्तान। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आज के इंटरनेट में उपलब्ध होने प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो थी वो थी हमारा द हिंदू पत्र। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी थी। नंबर 1 इंडिया टुडे, नंबर 2 सहेली, नंबर 3 चंपक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका थी इंडिया टुडे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों, आप जानते हैं सभी को कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। ये बहुत ही सरल क्वेश्चंस थे, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चंस में। अब चलते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 4, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग किया जाता है नॉलेज साझा करने के लिए, बात करने के लिए, सूचना रखने के लिए, उपलब्ध सभी। तो दोस्तों, सोशल साइट का जो प्रयोग होता है, यहाँ पे जितने भी आंसर है सभी सही है। हम लोग नॉलेज साझा करने के लिए भी करते हैं, बात करने के लिए भी करते हैं, सूचना रखने के लिए भी हम लोग सोशल साइट उपयोग करते हैं। अब चलते हैं नंबर 5, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। जो प्रिंटर होती है उसकी गुणवत्ता जो मापी जाती है किस में, डीपीसी में, पीपीएम में, डीपीआई में, उपलब्ध में से किसी में। तो दोस्तों, हमारी जो कंप्यूटर की गुणवत्ता मापी जाती है डीपीआई से के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स होता है ऑडियो और वीडियो, इमेज और टेक्स्ट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों, ऊपर वाले जो है ऑडियो और वीडियो, इमेज और टेक्स्ट जो होती है वो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स होती है। अब हम चलते हैं नंबर 7 क्वेश्चन नंबर, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल्स, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फाइल एंड पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। तो दोस्तों, ये जो होती है हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है इसकी आंसर नंबर 7 की। अब चलते हैं क्विज नंबर 8, डॉस, डॉस का पूर्ण रूप क्या है, डेस्क, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि डॉस का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसे डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन अब नंबर क्वेश्चंस नंबर 9 पे चलते हैं, इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है जैसे गूगल, याहू, एमएसएन, क्वारा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि नंबर 4 जो होती है, क्वारा जो होती है वो हमारी, क्वारा जो होती है वो हमारी सर्च इंजन नहीं। और दोस्तों, कंप्यूटर क्विज सीरीज नंबर 10 का आखिरी क्वेश्चन, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड ओएस, अबंटू, सोलारिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, उपरोक्त में से इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों, इस आंसर का अगर आप जवाब मिलाना चाहते हैं तो उत्तर मालूम में नीचे दिया गया है, आप मिला भी सकते हैं। आपको ये हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, दुआ खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा आपका सांसर। आप देख रहे हैं सांसर कंप्यूटर क्लासेस।
वीडियो क्लासेस में, ऑनलाइन की वीडियो क्लासेस में,